ओके सो हे है दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो गाइस कैसे हैं आप सभी आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे तो गाइस आज का जो हमारा कंसेप्ट है वीडियो का टाइटल हमने देख के आप समझ ही गए होंगे तो गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड ग्राउंड पेन जिसका मैं यूज करने वाला हूँ सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप इजीली वीडियो देखने वाले जगह डाउनलोड कर लेना तो चलेगा आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं सो so गाइस सबसे पहले आप सभी को करना है क्या है आप सभी को पहले तो अपनी फोटो को कहीं भी ऐसे मतलब कि किसी का हाथ पकड़ के से क्लिक करवा लेना है देन उसके बाद आप सभी को इसको अपनी फोटो को लेकर चल जाना है ड्रो टूल में एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे आप सभी को लेयर को जो है अपने ऊपर कर लेना है फोटो को एंड उसका ध्रेजर टूल में जाना है एंड इसकी सेटिंग क्या रखनी का आपको हार्डनेस जो है उसको नाइनटी तक रख लेना है जो साइज अपने अकॉर्डिंग रख लेना है ठीक है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको फोटो को जूम करना है एंड ऐसे आप सभी को एकदम फटाफट से रेस कर लेना है एंड कैसे फटाफट मतलब कि आप सभी को तो बिल्कुल आराम आराम से करना है मैंने यहाँ पे वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रखा है ठीक है तो आप मतलब आराम आराम से करना एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीन वीडियो की लिंक दे रखी है बैकग्राउंड रेस के ऊपर तो आप उनमें से कोई सीसी भी वीडियो को वॉच कर लेना आपको ईजिली कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी उनमें से तो आपको जाकर चेक करना एंड उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है मैं आप सभी को बताता हूँ तो यहाँ पे मैं पहले इसको फटाफट से रेस कर लेता हूँ अच्छे तरीके से ठीक है एंड उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है आगे अभी हम यहाँ पे इसको इरेज कर लेते हैं एंड कस रेज होने के बाद सबको फिर, फिर, सब फिर क्या करना है गाइस ये बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है फिर उसके बाद सबसे चलो जाना ऐड फोटो में गाइस आप सबको अपने मॉडल ऐड करना है ठीक है एंड उसके बाद आप सबको फिर क्या करना है कस देखा यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है वीडियो को देखो क्या करना है कस यहाँ पे तो आपका मॉडल होगा ना कश वो आप सभी का जो हैंड है ना यहाँ पे अच्छे से ऐड नहीं हो पाएगा बट आप सभी को उसको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आप सभी को पहले तो गई देखिए पहले, तो पहले तो आपको ना अपना हाइट देखना है मतलब कि आप देख लेना एक बार ही अंदाजा लगा लेना कि आप एस के से आप बड़े हो या छोटे हो ठीक है ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है एंड उसके बाद आप सभी को फिर फिर उसके बाद आप सभी को जो है हाइट के हिसाब से एंड आपको फोटो को यहाँ पर मच करना आगे की तरफ एंड उसके बाद इसकी ओपिसिटी को कम कर लेना है ठीक है एंड उसके बाद यहाँ पर हम रिजल्ट टूल में जाएंगे एंड इसको हम यहाँ पे हार्डनेस को फुल कर देंगे एंड ऐसे इसको फटाफट से इसको यहाँ पे रेस करेंगे ठीक है मैंने तो आप, आप फटाफट मतलब मैं कर रहा हूँ क्योंकि आप सभी को तो बिल्कुल आराम आराम से करना है मैंने यहाँ पे वीडियो को फास्ट कर रखा है ठीक है तो इतना हो जाने के बाद आप को फिर क्या करना आगे मैं को बता दूँ तो ये तो हम यहाँ पे फटाफट इरेज कर लेते हैं एंड गाइस जब ये रेस हो जाएगा तो उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे अच्छे से पहले रेस कर लेते हैं ठीक है फिर मैं मतलब बताता हूँ अब यहाँ पे ना हमारा जो दूसरा हैंड है ना गाइस वो भी मतलब थोड़ा सा यहाँ पे सही से ऐड नहीं हुआ है तो अभी हम इसको भी रेस कर लेते हैं एंड इसको भी थोड़ा सा हम इसका भी कुछ चीज़ दलाएंगे जुगाड़ ठीक है तो ये जो थोड़ा नीचे भी रह गया तो इसको भी हम रेस कर लेते हैं यहाँ पे ठीक है तो फिर इसके बाद आप यहाँ पे जो मतलब दूसरा वाला जो हैंड था हमारा वो कैसे ऐड करना है मैं आपसे बताता हूँ पहले ऐड फोटो में जाएंगे हम दोबारा उसी मॉडल को ले लेंगे एंड उसी मॉडल को लेने के बाद आप सभी को फिर यहाँ पे जो उसका हैंड था जो मतलब कि यहाँ पर सही से ऐड नहीं रहा था उसको हम कुछ इस टाइप से यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे ठीक है एंड साइज को मतलब कि बड़ा करके लगाएंगे क्योंकि जो हैंड के दोनों के हिसाब से होना चाहिए फिर उसके बाद हमें जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको हम यहाँ पे रेज कर लेंगे एंड बाकी जो सेम टू तो सेम है बाकी सब कुछ यहाँ पे ऐड हो चुका है ठीक है तो कैसे देखिए यहाँ पे सबसे इजीली मतलब कि इजी तरीका भी है ये एंड आप सभी को ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी इस चीज़ में ठीक है तो आप सभी को कुछ इस टाइप से ऐसे ऐड कर देना अगर हैंड ना ऐड हो तो ठीक है उसके बाद गाइस क्या करना है आप सभी को यहाँ पे थोड़ा सा आपको शेडो बनानी है ठीक है तो शेडो बनाने के लिए हम क्या करेंगे हमें ड्रो टूल में जाने की जरूरत नहीं है हम यहीं से पीनजी ले लेंगे ठीक है तो हम ये ब्लैक वाला पीन जी ले लेते हैं एंड इसको आपको शेडो कैसे बनानी है आपको सिंपली ऐसे हैंड के पास रखना है फिर आप सबको इसकी ओपोसिटी कम करना है रिजल्ट टूल में जाना है इन्वर्ट करना है यहाँ पर फिर इसका ब्रश को सिलेक्ट करना है ठीक है एंड उसके बाद आप उसके फोटो को जूम करना है जहाँ पे आपको शेडो चाहिए पहले तो देखिएगा जिस पहले मैं आपको बता दूँ पहले में एंडो कर लेता हूँ पहले हम यहाँ पे हैंड के पास शेडो बनाएंगे ठीक है तो यहाँ पे शेडो बनाएंगे पहले यहाँ पे एंडो कर लेता हूँ इनको एंड उसके बाद यहाँ पे आपको साइज़ जो है ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है ठीक है कि ज़्यादा बड़ा रखोगे तो यार मतलब कि ज़्यादा शडो बन जाएगी तो यहाँ पे हम थोड़ा साइज़ और छोटा कर लेते हैं तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से ऐसे शेडो क्रिएट करनी है एंड गाइज अभी आप सभी को लग रहा होगा यार ये तो हैंड के ऊपर भी आ रहा है बट कोई बात नहीं इसका भी गड्ड है गाइज ठीक है तो इसको आपको कैसे मतलब कि हाइड करना वो भी मैं बता देता हूँ तो आपको जब ऐसे शेडो बन जाएगी तो आप सभी को फिर क्या करना है आपको रेजर इस पर इेजर टूल के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करना है एंड इसको मूव टू डाउन कर देना है ये नीचे चले जाएगा एंड उसका जिसकी ओपोसिटी होगी आपको उसको कम कर देना है कि देखिए गाइज शेडोड जो एकदम नेचुरल शेडो बन बन चुकी है हमारी ठीक है अब यहाँ पे आपसे को दोबारा से उसी पीजे को ले लेना है एंड इसको आपको सेम वैसे ही रखना है ठीक है एंड रिजल्ट में जाना है इसको इन्वर्ट करना है ब्रश को लेना है इसकी ओपोसिटी हार्डनेस को कम करना है साइज को आपको हिसाब से रख लेना है एंड फोटो को जूम करना है इसके बाद आप सब यहाँ पे पेंट करना है ठीक है मतलब कि भाई इस पेंट जो है मतलब एक से ज़्यादा बार मत करना एक जगह पर नहीं तो ज़्यादा डार्क हो जाएगी उस जगह पर तो एक से ज़्यादा बार टाइम पेंट मत करना फिर इसके बाद क्या करेंगे हम इसकी थोड़ी सी यहाँ पे भी ऊपर टीकम कर देंगे एंड जो गाइस दूसरा वाला हैंड हमारा ये है, सर येगा उसके ऊपर थोड़ा सा ये पेंट का जो है ये आ रही है तो हम इसको भी पहले यहाँ पर थोड़ा रेस कर लेते हैं तो यहाँ पर हार्डनेस को फुल कर लेंगे एंड यहाँ पर फोटो को जूम करेंगे एंड यहाँ पर हम इसको जिस टाइप से इसको भी रेस कर देंगे ठीक है तो यहाँ पे हमने इसको भी रेस कर दिया है अब गाइस आप सबको क्या करना है अब यहाँ पर हमें गाइस थोड़ी सी इंजी की जरूरत है ठीक है तो यहाँ पर अभी तो फिलहाल हम इसको यहाँ पर डन कर लेते हैं फिर उसके बाद बताता हूँ आपको इंजी लगाना कैसे है तो यहाँ पे आप, आप सबको चले जाना ऐड फोटो में एंड यहाँ से आप आपसे कुछ वीगनेट का पीन जी दे दूंगा मैं आपको सिंपली इसको फुल स्क्रीन करके कुछ स्टेप्स से यहाँ पे ऐड कर देना है एंड यहाँ वो कुछ स्टेप्स ऐड हो जाएगा फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डन कर देना है अब गाइस आपसे क्या काम होता है अब आपको इसको फोटो कर लेगा सेव एंड इस पर करनी थोड़ी कलर करेक्शन जो कि करते हैं करें लाइट्रो ऐप में इसको यहाँ से हम लेके चलेंगे बैक एंड यहाँ पे ओपन कर लेंगे लाइट्रो मैप में फिर उसके बाद यहाँ से हम इस लाइट वाले ऑप्शन में जाएंगे इसका जो कई कंट्रास्ट होगा हम इसको बढ़ा देंगे हाईलाइट होगा इसको इंक्रीज कर देंगे शेड होगा जो इसको बढ़ा देंगे ठीक है एंड जो इसकी वाइट होगा भी बढ़ा देंगे जो ब्लैक इसको थोड़ा कम कर देंगे फिर इसके जाएंगे? जाएंगे वैसे कल्स और ऑप्शन में यहाँ पर जो वाइब्रेशन का जिसको हम बढ़ा देंगे ठीक है एंड उसका जो टेम्परेचर इसको माइनस कर देंगे फिर उसके बाद चले जाना कलर मिक्स में ऑरेंज कलर को सेलेक्ट करना इसका सेचुरेशन माइनस करना ल्यूमिनस बढ़ा देना है फिर उसके बाद आप सब यहाँ पे जाना है येलो कलर में इसका ह्यू माइनस एंड सेचुरेशन प्लस फिर ग्रीन कलर में जाना इसका ह्यू जो आपको प्लस में रख लेना एंड इसको सेचुरेशन में प्लस में फिर डार्क ब्लू में जाना इसका सचुरेन माइनस आप कर सकते हो बट आपको ब्लू कलर नहीं चाहिए तो माइनस कर देना चाहिए हो तो प्लस कर देना फिर उसके बाद आपको पर्पल कलर में जाना इसका सेचुरेशन माइनस कर देना है एंड आपको कर देना टर्न अब गाइस आपको चले जाना है नीचे टूल में फोटो की जो है आपको उसको इंक्रीज़ कर देना है फोटो में जो विगनेट है वो डाल देना है फिर उसके बाद आपको पे ग्रेन अमाउंट मिलेगा आपको उसको बढ़ा देना है एंड उसके बाद आपको नीचे वाले टूल में जाना है एंड फोटो में जो शार्पनेस होगी आपको उसको इंक्रीज कर देना है एंड जो इस नोट ड्रक्शन आप सब उसको, उसको भी बढ़ा देना है एंड नीचे आपको मिल जाएगा एक कलर नोट ड्रक्शन ठीक है आपको उसको भी बढ़ा देना है तो बस फाइनली जो फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने है तो बस ऐसा करता है आप आपसे कोई वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना तो चलेगा मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय